और बात करते हैं अजमेर की, जहां के नेशनल हाईवे 79 के निकट दिलवाला पुलिया पर मंगलवार को एक सड़क हादसा सामने आया। लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे परीक्षार्थियों की एक वैन को ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वैन सवार 8 परीक्षार्थी घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया, जहां इनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 7 बजे के करीब अजमेर जिले के नसीराबाद में नेशनल हाईवे 79 के निकट दिलवाड़ा पुलिया पर केकड़ी से वैन में सवार होकर लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे परीक्षार्थियों की वैन को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इसमें वैन में सवार 6 परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं 2 परीक्षार्थियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद राहगीरों की मदद से सभी घायल परीक्षार्थियों को नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में उपचार के लिए भिजवाया गया, जहां हॉस्पिटल में सभी का इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलते ही नसीराबाद सदर थाना पुलिस घटनास्थल मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि ट्रेलर के द्वारा टक्कर मारने के बाद वो मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस अज्ञात ट्रेलर के चालक की भी अब तलाश कर रही है। वहीं सड़क हादसे में केकड़ी के कादेड़ा गांव निवासी अरविंद, अजय, दिनेश, चौथमल, धनराज, बालचंद, आशाराम सहित 3 का घायल हुए हैं, जहां हॉस्पिटल में सबका इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हम कादेड़ा से एग्जाम देने जा रहे थे असिस्टेंट का, और हम जैसे ही अंदर पास पुड़िया से हम अंदर घुसे, नसीराबाद जाते हुए ट्रक वाले ने सामने से टक्कर मारी हमारे, और वो रुका भी नहीं और भाग गया।